देखो अब ने क्या किया, जब कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन में थी तो हमने एक फॉर्मूला निकाला y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला क्या दे रहा है आपको? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। किसी भी टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी ये आपको फॉर्मूला देगा, है ना, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देगा। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर एक बात बताओ, मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम मीन पोजिशन पर यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपने धक्का मारा ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम 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 एक्सट्रीम पे जीरो, फिर नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज 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 मैक्सिमम कम 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 जीरो, फिर इंक्रीज 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 करते 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 क्या जीरो, यानी कि हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है चेंज। तो कोई कहता है ऐसा करो फिर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ही बता दो क्या है। तो ऐसा फॉर्मूला बताओ कि मैं किसी भी टाइम को पुट करूं वहां पर उस टाइम पर मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाए। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, वाई तो आपके पास है ही, क्यों ना आप इसे डिफरेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी टी। तो आप इसे डी वाई बाई डी डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी क्या है साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या है कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एंगल क्या है ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया तो डी टी बाई डी टी क्या है वन, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इसे प्लीज बॉक्स में अपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखो। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सब मीन से हो रहा है, अगर नहीं होगा तो जो वाई की इक्वेशन होगी फाई के साथ फिर इसमें भी फाई आ जाएगा, वो तो जो वाई पे सब वाई पे डिपेंड करता है, वाई क्या ले रहे हो, जो वाई वहां से चेंज है नीचे भी चेंज हो जाएगा, पर हम बाय डिफॉल्ट जो थ्योरी बना रहे हैं वो मीन पोजीशन से ही बनाते हैं। तो यहां तक क्लियर है। अब एक स्टेप देखो, ए कॉस ओमेगा टी को अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन ओमेगा टी क्या है वाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पेपर पक्का आएगा, वाई वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क करें, नोट करें फॉर्मूला रजिस्टर में, वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए फॉर एप्पल नहीं है, एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड ठीक, वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी। तो यहां पर किसी भी इंस्टेंट पर वाई पुट करेंगे तो उस इंस्टेंट पर वी कैन बी कैलकुलेटेड, सही है यहां तक? तो वी की वैल्यू आ गई। अब वी का फॉर्मूला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो इसके अंदर अगर वी को मैक्सिमम करना है तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, रजिस्टर में आएगा पेपर में ए ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, नोट करें। तो पहला फॉर्मूला क्या लिखा हमने डिस्प्लेसमेंट का, क्या y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फिर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या किया, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर हमने वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला किया, a इंटू अंडर रूट ऑफ ए ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, लगा के देखते हैं, जैसे मीन पोजीशन पर चेक करते हैं और एक्सट्रीम पे चेक करते हैं, एक्सट्रीम पे ये फॉर्मूला लगाएं, एक्सट्रीम पे वाई क्या होता है ए एम्पलीट्यूड, तो देखो आंसर क्या आ गया जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके पेंडुलम की वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, और ऐसे स्प्रिंग मास सिस्टम लेंगे तो मास एक्सट्रीम पे जाके कहाँ पे आ जाता है रेस्ट पे, फिर अंदर आता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं जीरो। मीन पोजीशन पर वाई क्या होगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी क्या आएगी मैक्सिमम, कोई भी पेंडुलम जब यहाँ से आएगा मूव करता हुआ तो मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। स्प्रिंग मास सिस्टम मीन से चला एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से मीन पे आएगा तो वेलोसिटी फिर से क्या होगी मैक्सिमम। क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म आ गई। इसको करने का एक मेथड टू भी है, ऑप्शनल है, कोई करता नहीं है, मैं करता हूं अकेला बता देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आपको कि अगर आप वेलोसिटी की क्या करना क्या है, मैंने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और मैंने कैसे किया, मैंने वाई को डिफरेंशिएट किया, वी आ गया, सिंपल है। कोई कहता है इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। इमेजिन करो आपकी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, किसी भी इंस्टेंट टी पे उसकी वेलोसिटी क्या है आर ओमेगा, आर ओमेगा क्या होता है ए ओमेगा, यहां पे ना v = r ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी a ओमेगा, तो ये जो एंगल है ये कितना है ओमेगा t, ये ओमेगा t, तो अल्टरनेट से ये कितना ओमेगा t,
ये ओमेगा टी, तो ये कितना 90 माइनस ओमेगा टी। तो ए ओमेगा के दो कंपोनेंट्स होंगे, ए ओमेगा कॉस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी और ए ओमेगा साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी को सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, और वी क्या है यहां पर, ए ओमेगा, आंसर वही आएगा। हम वाई एक्सिस के कॉम्पोनेंट देख रहे हैं, एक्स के नहीं देख रहे, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट भी वाई में ली थी और हम वेलोसिटी भी वाई कॉम्पोनेंट में ही देखेंगे। तो ये आपका मेथड नंबर टू है, जस्ट सीख लो, वैसे करता कोई नहीं है, ऐसे जरूरत पड़ेगी तो तब देखेंगे।